सो क्वालकॉम ने अपना नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल प्रोसेसर यानी कि स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 जो है वो फाइनली रिवील कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर इसका नाम 895 या फिर 898 होगा, लेकिन यहाँ पर जो है क्वालकॉम ने यहाँ पर डिफरेंट सीरीज ही शुरू कर दी। तो बेसिकली नाम तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर के बारे में, देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, इसके फीचर्स, इसकी क्या कुछ हमें इसमें नई इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या यहाँ पर ऐसा कुछ खास होने वाला है जो कि इसको एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर बनाएगा या फिर इसको एक नेक्स्ट लेवल जो है प्रोसेसर बना देगा एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 888 जो इसका प्रीडिसेसर था। इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से स्मार्टफोन्स में ये सबसे पहले देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा देन कब तक हमें ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। खैर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने ट्राई किया कि मैं ज़्यादा टेक्निकली ना जाऊँ, जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको ज़्यादा डिस्कस ना करूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है टेक्निकल जो है सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं यहाँ पर ज्यादा टेक्निकली ना जाऊं ताकि आप लोग यहाँ पर बोर ना हो पाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो देखें। तो बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देन यहाँ पर सबसे पहले सीपीयू की बात आ जाएगी। सीपीयू और प्रोसेसर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों, आज के टाइम में तो नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि इस बार जो नया क्रियो सीपीयू यूज़ किया गया है, बेसिकली इसका कोई नंबर नहीं है, इस बार लास्ट टाइम था लेकिन इस बार नहीं है। ये सेम आर्किटेक्चर पर बेस्ड है लेकिन इस बार ये ज़्यादा अच्छे या फिर अपग्रेडेड स्पेसिफिकेशंस के साथ में आता है। इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि क्वालकॉम का मानना है कि ये 20% ज़्यादा अच्छी पावर डिलीवर करता है या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। इसके अलावा यहाँ पर 30% ज़्यादा अच्छी जो है पावर एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू इट्स प्रीडिसेसर। ये चीज़ जो है पॉसिबल हो पाई है 4 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी के कारण। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके कारण हमें यहाँ पर पावर एफिशिएंसी जो है ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोसेसर है इस बार भी ये LPDDR5 रैम की सपोर्ट के साथ ही आता है, जबकि जो LPDDR5X रैम है वो इसी साल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक साल और वेट करनी पड़ेगी हमें, खैर वेट तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो अच्छी लगती है या फिर प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पर या फिर ओपिनियंस पर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, देन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लगातार ऐसी ही वीडियो जो है लेकर आता रहता हूँ। तो सीपीयू के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका जीपीयू। तो जीपीयू के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो इस बार भी हमें एड्रीनो का ही जीपीयू देखने को मिल जाता है, जिसका कोई नंबर नहीं है। लास्ट टाइम 660 जो जीपीयू देखने को मिला था, लेकिन इस बार हमें कोई भी नंबर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि कंपनी का कहना है कि यहाँ पर 30% ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है और 25% ज़्यादा अच्छी पावर एफिशिएंसी जो है ये जीपीयू डिलीवर कर सकते हैं। खैर जिसका मतलब क्या हुआ कि पावर लेस कंज्यूम करेगा और आउटपुट जो है आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि अगर कोई स्मार्टफोन में ये यूज़ हो रहा है और उसमें अगर क्वाड एचडी प्लस वाली रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, देन उसमें आपको मैक्सिमम 144Hz तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि कम है मीडियाटेक के मामले में। जी हाँ दोस्तों, मीडियाटेक में क्या है कि उसमें आपको 180Hz तक का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 में। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 है ना, वो सपोर्ट करेगा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, देन ही आप उसमें 180Hz तक का रिफ्रेश रेट इनेबल कर पाएंगे, अदरवाइज उसमें नॉर्मल जो 120Hz या फिर 90Hz ही इनेबल रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि क्वालकॉम ने यहाँ पर टोटल 3 इलाइट गेमिंग फीचर यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसमें से एक डेवलपर्स को हेल्प करेगा इसकी पावर एफिशिएंसी और इसकी परफॉर्मेंस को बैलेंस करने में। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ है। सीपीयू और जीपीयू इन दोनों की तो बात होगी, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसमें तो कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन कैमरा में क्या कुछ जो है इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे इसकी वजह से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। खैर आप लोगों को पता ही होगा कि जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो सिर्फ मेगापिक्सल्स पर रिलाई नहीं करती है, लेकिन एक बेस्ट ISP पर जरूर रिलाई करती है। तो एक बार फिर से यहाँ पर क्वालकॉम ने ट्रिपल ISP का यूज़ किया, लेकिन इस बार हमें ना
यहाँ पर 18 बिट की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये 3.2 गीगा पिक्सल पर सेकंड तक की इमेजेस जो है प्रोसेस करने के कैपेबल है। खैर ये चीज जो है काफी इनसेन है। खैर इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोग 8K वीडियो रेंडरिंग HDR में भी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी जो है पावरफुल प्रोसेसर डिपिक्ट करती है ये चीज। और इसके अलावा आप लोगों को 4K में भी अभी आप लोग बोके मोड में वीडियो जो है शूट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो कि सीमित था 1080p या फिर फुल HD तक, वो अभी आपको 4K में भी देखने को मिलेगा। ये भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है दोस्तों। खैर यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्वालकॉम ने यहाँ पर एक डेमो शो किया था नोवल पैनोरमिक शॉट का। जी हाँ दोस्तों, इसकी हेल्प से अभी आप 140 डिग्री तक का जो है पैनोरमिक शॉट ले सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8th जनरेशन 1 प्रोसेसर की हेल्प से। अभी देखने लायक होगा कि कंपनी जो है अभी जो भी मोबाइल्स आएंगे उनमें ये सभी फीचर्स जो इनेबल करके देती भी है या नहीं। खैर ये एक अलग बात है, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके मॉडम के बारे में। बेसिकली यहाँ पर क्वालकॉम ने अपना ही बनाया हुआ X65 5G मॉडम यहाँ पर यूज़ किया है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम X60 यूज़ किया था, अभी X65 जो है नया 5G मॉडम यहाँ पर यूज़ किया गया है। खैर ये जो मॉडम है दोनों ही बैंड्स को सपोर्ट करता है, MM वेव और सब 6 GHz। तो अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए देन यहाँ पर हमें अपलोड स्पीड जो है वो अप टू 3.5 GBPS तक की देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें अप टू 10 GBPS तक की देखने को मिल जाती है। खैर जो इस स्पीड को अचीव करना इन द रियल वर्ल्ड में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा लेकिन यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ इसकी कनेक्टिविटीज़ के बारे में, देन यहाँ पर ये वाईफाई 6 की सपोर्ट के साथ में आता है, वाईफाई 6E की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट करता है रेदर देन 5.3 जो कि हमें MediaTek Dimensity 9000 में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि Qualcomm ने इस बार लूजलेस CD ऑडियो का यहाँ पर फीचर डाला है ब्लूटूथ में, जो कि ब्लूटूथ की जो लेटेंसी है उसको ऑलमोस्ट जीरो कर देगा, जो कि हेल्प करेगा इसकी ब्लूटूथ ऑडियो की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। खैर ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वेल Qualcomm ने यहाँ पर एक नया फीचर ऐड किया है। वेल यहाँ पर AI के लिए Qualcomm ने डेडिकेटेड या फिर एक्स्ट्रा जो है ISP जो है यूज़ किया है, जिसका मेनली पर्पस रहेगा फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा है उसको 24/7 इनेबल रखना, जिसकी हेल्प से आपको बिना टच किए आप फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। खैर इसकी जो पॉजिटिव साइड है वो मुझे कम और नेगेटिव साइड मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज को यहाँ पर आप पर स्पाय करना वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो सेल्फी कैमरा वो 24/7 जो है इनेबल रहेगा, तो जो भी आप एक्टिविटीज़ जो है यूज़ कर रहे होंगे या फिर एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे वो कोई भी ऐसी कंपनी जो प्राइवेसी के नाम पर ऑलरेडी धब्बा है वो आप पर जो है स्पाय कर पाएगी। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी बुरी लगी जो है, ये फीचर के पॉजिटिव साइड कम और नेगेटिव साइड ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर इनको एक मैनुअल ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए कि आप लोग जो है 24/7 कैमरा जो है इनेबल रखना चाहते हैं या नहीं, ये फीचर यहाँ पर मोबाइल कंपनीज को यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए और सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। खैर Qualcomm का ये फीचर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स में Qualcomm Snapdragon 8th जनरेशन 1 प्रोसेसर जो है देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें देन इस लिस्ट में सबसे पहला स्मार्टफोन निकल कर आता है Xiaomi का। जी हाँ दोस्तों, Xiaomi का Mi 12 जो सीरीज होने वाली है उसमें सबसे पहले ये प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसके बाद Realme GT 2 Pro देखने को मिल सकता है। इसके अलावा Samsung की जो S22 सीरीज आएगी उसमें भी देखने को मिल जाएगा, और Motorola का भी एक Edge सीरीज आ रही है उसमें भी हमें ये देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर बता दूँ कि OnePlus की जो 10 सीरीज आएगी ना उसमें भी ये प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले Mi 12 में, और उसके बाद हमें यहाँ पर ये Realme की तरफ से देखने को मिल सकता है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो प्रोसेसर है ना, इसकी जो कॉस्ट है वो पहले से ज़्यादा रहने वाली है। तो अगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहेगी देन अल्टीमेटली जो स्मार्टफोन की जो कॉस्ट है उस पर वो चीज़ भी जो है अफेक्ट होगी, और स्मार्टफोन की कॉस्ट भी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो अभी मुझे लगता है कि जो डेब्यू स्मार्टफोन होंगे वो 40,000 से अबव ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफकोर्स है एक नया प्रोसेसर है, तो अभी तो इसकी जो कॉस्ट है वो 50,000 के अराउंड रहेगी। ये चीज़ देखते हैं कि क्या प्राइसिंग के साथ में ये प्रोसेसर आता है, किस स्मार्टफोन में आता है, तो ये चीज़ जो है देखने लायक होगी। तो ये थी कुछ बातें Qualcomm Snapdragon 8th जनरेशन 1 प्रोसेसर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी देन इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग आर वीडियोज़।